नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सर यूट्यूब के चैनल एग्जाम कार्ड लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एसएससी सीएचएसएल परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। ये दूसरी पाली की परीक्षा थी जो 14 मार्च 2023 को आयोजित की गई थी। तो चलिए आज हम इसी के पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा जो प्रश्न नंबर एक यानी क्वेश्चन नंबर वन है वो है औद्योगिक नीति प्रस्ताव। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहली बात यह कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, तो आईपीआर 1956 यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो था 1956 का, उसके तहत ये प्रस्ताव पारित किए गए थे कि कुछ चीज़ों के कि जो पिछड़े हुए हमारे जो क्षेत्र हैं उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर विकास कार्य किए जाएँ, वहाँ पर रोजगार सृजित किए जाएँ। साथ ही साथ ये जो औद्योगिक नीति जो थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी ये एक तरीके से इसने आगाज़ किया था, या इसके कई रेजोल्यूशन इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे। तो हमारा जो उत्तर है यानी कि जो आंसर है, जो सही आंसर है वो नंबर टू है, यानी कि ए और दो, यानी कि जो आपका जो नंबर टू का यानी को क्वेश्चन है, जो पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू दोनों ही सही हैं। यानी कि यह प्रस्ताव द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना था, साथ ही इस नीति का उपयोग पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी एक अग्रगामी बना था, और साथ ही साथ पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम लगाने का कार्य भी इस योजना के तहत किया गया था। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर टू है यानी कि प्रश्न नंबर दो, क्वेश्चन नंबर टू, मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो जो इंसान हम लोग जो ह्यूमंस हैं उनके अंतर्गत अगर ये पूछा गया कि स्टार्च जो है उसका जो जैसे कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन निम्नलिखित में से कहाँ से शुरू होता है, तो उत्तर है इसका मुख गुहिका से, यानी कि मुंह से ही उसका कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारे मुंह में जो लार बनती है, ये जो ग्लैंड्स हैं हमारे, जो टाइलिन यानी ट्रांसलेटेड टाइलिन है, वहाँ से जो टाइलिन हार्मोन होता है वो स्टार्च को तोड़ने का काम करता है, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है यानी ब्रेक करने का काम करता है, और वहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यानी कि ग्रास नली में नहीं, मलाशय में नहीं, छोटी आंत में, जैसे कि रेनिन और पेप्सिन ये अंदर जाकर के काम करते हैं, वहीं पर जो हमारा जो टाइलिन है, कौन सा टाइलिन, टाइलिन एंजाइम, ये मुख गोहिका से ही शुरुआत इसकी हो जाती है, और मैंने आपको बता दिया कि स्टार्च को तोड़ने के काम आता है, तो मुख गोहिका इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर तीन यानी क्वेश्चन नंबर थ्री, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है और इनकी कोशिका की बात हो रही है, तो पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक यानी सेल ऑर्गेनल उपस्थित होते हैं, तो जो इसमें नहीं होते हैं। एक्चुअली ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनके बारे में कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक के बारे में, कि ये जो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं या जो एक तरीके से जो कार्य करते हैं इनके बारे में बताया जाता है कि फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। क्या करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये एक कोशिकी की होते हैं, एक कोशिकी होते हैं ये। तो इस प्रकार से अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो उनके पास अंगक के रूप में केवल बहुत छोटे राइबोसोम होते हैं। इनके पास कैसे होते हैं, छोटे राइबोसोम होते हैं, साथ ही साथ उनके गुणसूत्र केवल न्यूक्लिक एसिड से ही बने होते हैं। तो उनके जो गुणसूत्र होते हैं
जो गुणसूत्रों की अगर हम बात करें तो वो न्यूक्लिक अम्ल यानी न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। इनका आकार आमतौर पर 1 से लेकर 10 μm तक होता है। तो इसका जो उत्तर है, झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, यही ऑप्शन सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर जो 4 है, भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किस मौसम को परिवर्तनीय मौसम के नाम से जाना जाता है? मानसून का आगमन, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। अब अगर देखें कि मौसम परिवर्तन, तो मौसम परिवर्तन, मौसम का आगमन, ये अलग चीज हो गई। शीत ऋतु, ये भी अलग बात हो गई। ग्रीष्म ऋतु, ये भी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो मौसम का जो आगमन है वो एक तरीके से मानसून की वापसी से होता है। मानसून की वापसी को हम लोग रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं, जो बाद में नवंबर दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी तक कर्नाटक केरला होता हुआ वापस अरब सागर की ओर अपना रुख कर जाता है। यानी वो जहाँ से शुरू हुआ था वो वहीं जाकर के अपना अंत कर देता है। सपोज करिए जैसे कि हम लोगों ने अरब सागर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो जहां से शुरुआत हो रही है उसकी, एक तरीके से जो रिट्रीटिंग मानसून है, अगर हम लोग देखें तो कर्नाटक केरल होता हुआ ये अरब सागर में चला जाता है। तो अरब सागर में कहां से होके जाता है? ये कर्नाटक और केरल की तरफ से होता है। तो जहां से इसकी शुरुआत होती है वो वहीं से वापस अपनी ओर चला जाता है। अभी क्यों जाता है? क्योंकि अब नए मौसम को फॉर्मेट करेगा, नए मौसम को बनाएगा, नई तरीके से अपनी क्रियाओं को संचालित करेगा। तो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो आंसर है वो भी पॉइंट 4 है, मानसून की वापसी। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना, अब यहां पर हम लोग बताएंगे तो राज्यसभा की संरचना है ना, पूछा गया यहां पर क्या अनुच्छेद। तो भारतीय संविधान का ये ऐसा अनुच्छेद का आपको नाम बताना है जो राज्यसभा की संरचना को इंगित करता है। तो अनुच्छेद 51 का, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 80। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अनुच्छेद 80 की। तो किसकी बात हो रही है हमारे पर? अनुच्छेद 80 की, जो राज्यसभा के निर्माण की बात करता है। तो राज्यसभा में अधिकतम, राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? 250, ठीक है, 250 सीटें होती हैं। इनमें से 12 सदस्यों को, इनमें से 12 12 जो है हमारे जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति नामित करते हैं। कौन नामित करते हैं? राष्ट्रपति नामित करते हैं। और राज्यसभा में कितने हैं लगभग, अधिकतम सीटें कितनी है? 250। वहीं 238 सीटें जो हैं, 238 सीटें जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा फिल की जाती हैं। तो जो 238 बाकी की जो सीटें बची हैं वो राज्यों से आते हैं, उनके प्रतिनिधि और केंद्र शासित राज्यों से भी आते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग अगर देखें तो हमारा जो ऑप्शन है अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की जो संरचना है उससे मुतालिक यानी कि उससे संबंधित अपनी बातों को प्रकट करता है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 देखिए, बिहार के पटना में, बिहार के पटना, पटना में आपने देखा होगा कि पटना शरीफ भी नाम लिया जाता है और पटना साहिब जो गुरुद्वारा है, तो इसी प्रकार से बिहार के पटना में पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी? ध्यान रखिए कि पटना की पत्थर की मस्जिद किसने बनवाई थी। तो ये ऑप्शन है, सबसे पहली बात यह कि बिहार के पटना की पत्थर की मस्जिद, तो अलाउद्दीन खलजी का नाम यहां पर दिया हुआ है, ये ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी, हम लोग खिलजी खिलजी करते हैं, ये खिलजी नहीं है, खलजी है, क्योंकि खलज कबीले से आए हुए थे। तो अलाउद्दीन खलजी, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है परवेज शाह और चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो इनमें से जिसने बनवाया था, यानी कि किसने बनवाया था? परवेज शाह ने। किसने बनवाया था? परवेज शाह ने इसका निर्माण
करवाया था। तो हम परवेज शाह के बारे में बात करेंगे कि परवेज शाह जो थे उन्होंने इस पत्थर की मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब सबसे बड़ी बात कि परवेज शाह थे कौन, तो परवेज शाह बादशाह जहांगीर के बेटे थे। ये बादशाह जहांगीर के बेटे थे और इन्होंने बाकायदा हम लोग देखें तो 1621 ईस्वी में इन्होंने पत्थर की मस्जिद पंडुआ पत्थर से, किससे, पंडुआ, ये ध्यान रखना, इसका पूरा जो मेन चीज है वो किसका, पंडुआ पत्थर। ये पंडुआ पत्थर चुनार की पहाड़ियों पे मिलता है और पंडुआ पत्थर की खासियत है कि शुरुआत में जब इसे तराशा जाता है तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, यानी कि जब खदानों से निकाला जाता है तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें कोई भी जो हम लोग नक्काशी करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो आसानी से बन जाती है। लेकिन जैसे ही इसको हवा लगती है, धूप लगती है, बाहर ये सूखता है, वैसे ही कठोर हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि पंडुआ पत्थर वो पत्थर है जिससे सम्राट अशोक ने अपने स्तंभों को बनवाया था। तो ये जो 1621 ईस्वी पत्थर की मस्जिद पंडुआ पत्थर से निर्मित है और इस पंडुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने की वजह से इसका नाम पत्थर की मस्जिद पड़ा। तो ये जो पत्थर की मस्जिद है वो परवेज शाह ने बनवाया था, यानी प्रश्न नंबर 6 का जो सही उत्तर है वो नंबर 3 परवेज शाह माना जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शहर 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, यानी कि कौन सा ऐसा शहर है जो मेजबानी करने वाला है जो समर ओलंपिक होने जा रहे हैं हमारे 2032 के। तो इसका जो आंसर है वो है ब्रिस्बेन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन की हम लोग बात करें तो यहां पर ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े प्रांत क्वींसलैंड की राजधानी, ब्रिस्बेन में आयोजित होगा, यानी ये गेम कहां आयोजित होंगे, क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे, यानी कि ब्रिस्बेन जो है वो वहां पर, ये ब्रिस्बेन जो सबसे बड़ा शहर माना जाता है, ये आप लिखिए कि क्वींसलैंड की राजधानी है और ब्रिस्बेन में आयोजित होंगे और ब्रिस्बेन क्वींसलैंड का सबसे बड़ा शहर है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो कौन सा शहर 2032 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, तो वो है ब्रिस्बेन। समझ में आ गया, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आठ, कैलाश सत्यार्थी को डैश के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो जो कैलाश सत्यार्थी थे उनको आखिर किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि कैलाश सत्यार्थी जो हैं उनको किस क्षेत्र के लिए मिला, तो वो है शांति, किसके लिए मिला, शांति के लिए मिला था। तो कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए, शांति का इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार उन्हें मलाला यूसुफजई, पाकिस्तान की थी ये मलाला, तो पाकिस्तान की मलाला निवासी हैं, उनके साथ जो कैलाश सत्यार्थी थे उनको नोबेल पुरस्कार उन्होंने शेयर किया था। अब इन्हें ये पुरस्कार मिला क्यों, शांति के लिए, तो इन्होंने बच्चे, युवा,
जो पीड़ित थे, उपेक्षित थे, भीख मांगते थे, जिनके हाथ पैर तोड़ करके भीख मंगवाई जाती थी, जिनके जिनका हर प्रकार से शोषण किया जाता था, ऐसे बच्चों को इन्होंने संरक्षित किया, उन्हें शिक्षित करने की ओर ध्यान दिया, उन्हें हर तरीके की छोटी बड़ी सुविधा मुहैया करवाई। तो लिहाजा इसी कार्य के लिए जो हमारे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, उनको शांति का जो नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से जो कैलाश सत्यार्थी, उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? मैं प्रश्न दोहरा रहा हूँ, भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, पांडिचेरी, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, साथ ही जो अपना जो नेक्स्ट जो इनका ऑप्शन है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सागर को, यानी कि इनके नाम पर सागर है, यानी कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सागर। तो ये सबसे बड़ी बात ये कि ये सागर एक्चुअली पड़ता कहाँ है। तो हम लोग साफ तौर पर देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी भाग, जो बंगाल की खाड़ी का जो दक्षिणी भाग है, और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो इंडोनेशिया और थाईलैंड, समीपवर्ती क्षेत्र, यानी कि बंगाल की खाड़ी का दक्षिणी भाग, इंडोनेशिया, थाईलैंड के समीपवर्ती क्षेत्र, ये सारा का सारा जो क्षेत्र है या इस क्षेत्र में मौजूद जो पानी है वो सारा का सारा क्या किस नाम से जाना जाता है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह सागर के नाम से। ये सागर हिंद महासागर का भाग है। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो भारत का जो कौन सा संघ, जो संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर, यानी कि भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र के नाम पर एक समुद्र का नाम है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगला हम लोग अब प्रश्न अपना लेके की तरफ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यानी क्वेश्चन नंबर 10, सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, यानी कि सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, यानी कि डैश से संबंधित उपबंध नहीं है, यानी कि सातवीं अनुसूची में किसे शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्थिक और सामाजिक योजना, औद्योगिक और श्रम विवाद, वन, भूमि और भवनों पर कर। तो यहाँ पर जो आखिरी हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भूमि और भवनों पर जो कर है वो अनुसूची, यानी कि सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो सातवीं अनुसूची है वो कुछ तत्वों को प्रकट करती है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आप देख रहे हैं कि जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, इन सूचियों में से किस सूची के तहत हमारा भूमि और भवन पर जो कर है वो लगेगा? तो बिल्कुल आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये राज्य सूची किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्या आता है? भूमि और भवन पर कर। तो भूमि और भवन पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसलिए ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, यानी 11, MS Excel 365 में यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, एक्शन को दोहराने के लिए, किसको? एक्शन को दोहराने के लिए, ये जो एक्शन है हमारा उसको दोहराया जा रहा है,
है ना। तो यहाँ पर कौन दोहरा रहा है, सी टी आर एल प्लस वाई, यानी कि शिफ्ट प्लस वाई, सी टी आर एल प्लस जेड, शिफ्ट जेड, ये भी नहीं, तो कौन कर रहा है, सी टी आर एल एक्स। तो ये किस लिए कहता है, ये कहता है रीडू के लिए, किसके लिए, रीडू के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो एम एस एक्सेल 365 है, तो यदि संभव हो तो अंतिम कमांड या एक्शन को दोहराने के लिए हम सी टी आर एल प्लस वाई का प्रयोग करेंगे, हम इसी की का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला हमारा जो प्रश्न है उस पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, यानी क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है, आप इसको देखिए, 2G सागा अनफोल्ड्स। क्या 2G सागा अनफोल्ड्स? तो 2G सागा अनफोल्ड्स किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो नो डाउट अंदिमुथु राजा, पहचाना आपने ही नहीं, अंदिमुथु राजा, नो डाउट ये ए राजा हैं। तो इनका पूरा ना, ये शॉर्ट में जो हम लोग अमूमन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, अंदिमुथु राजा को ए राजा, ए ए राजा, ठीक है। तो अंदिमुथु राजा इन्होंने ये किताब लिखी है, और इस किताब में वो अपने ऊपर लगे हुए आरोपों की, एक तरीके से वो आरोपों का खंडन करते हैं कि 2G घोटाले से उनका कोई लेना देना नहीं था, या उसमें उनकी सहभागिता या भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी, या उन्हें राजनीतिक द्वेष के कारण ये सब कुछ झेलना पड़ा था। यानी कि जनता के बीच वो जा रहे हैं ये किताब लिख करके, इस किताब को लिखकर वो जनता के बीच जाते हैं और जनता को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए भाई, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, और आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, तो जब भी कभी इलेक्शन हो तो भाई वोट करिए। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ए राजा ने किताब लिखी है जिसका नाम है 2G सागा अनफोल्ड्स। ये किताब है अंदिमुथु राजा, यानी ए राजा ने इसको लिखा है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, नदी डैश नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि गोदावरी नदी की एक सहायक नदी के बारे में बात की जा रही है। तो गोदावरी नदी की अगर कोई सहायक नदी है तो वो कौन सी हो गई, इंद्रावती। क्या हो गई, इंद्रावती। यहां पर हम लोग देखें तो ये हमारा जो इंद्रावती है, ऑप्शन नंबर 4, इंद्रावती को हम लोग लेके चलते हैं कि इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। यह नदी आप जानते हैं कहां से निकलती है, उड़ीसा से, उड़ीसा राज्य। कहां से निकल रही है ये, उड़ीसा राज्य से निकल रही है ये नदी। तो इस नदी, ये जो नदी है वो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी के तौर पर जानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सुरेश एन पटेल को अगस्त 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि सुरेश एन पटेल को अगस्त 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सेबी, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो इन आयोगों की अगर हम बात करें तो उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और ये अभी हाल ही की यानी अगस्त की बात है कि उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग की कमान सौंपी गई है। तो अब अगर हम देखें कि सुरेश एन पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के, यानी कि CVC के, तो जो सुरेश एन पटेल है हमारे CVC के, ये एक तरीके से कार्यकारी, CVC के कार्यकारी अध्यक्ष थे, यानी कि अगस्त 2022 से पहले ये CVC के कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ये अपना कार्य अपना संभाले हुए थे। बाद में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें शपथ दिलाई। तो किसकी शपथ दिलाई इन्होंने, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है, और ये शपथ द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में सुरेश एन पटेल को 2022 अगस्त में नियुक्त किया था। उसी प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15,
फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में शुरुआती मैच यानी ओपनिंग मैच मोरक्को, यानी जो ओपनिंग मैच हुआ था वो मोरक्को और किसके बीच में खेला गया था? तो मोरक्को और किसके बीच में खेला गया था ये मैच? ब्राजील के बीच में। किसके बीच में खेला गया था? ब्राजील के बीच में खेला गया था। भारत के साथ भी नहीं था, चिली के साथ भी नहीं था, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी नहीं था, ये किसके साथ खेला गया था? ब्राजील के साथ, ओपनिंग मैच। तो मोरक्को के साथ यहां पर कौन था? ब्राजील था। यहां पर क्या आएगा? ब्राजील था। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये ब्राजील हो गया। तो ये जो भारत के अंदर आयोजित किए गए थे ये सारे जो खेल है, महिला विश्व कप जो था, महिला विश्व कप भारत में आयोजित किए गए थे, और कलिंगा कलिंगा स्टेडियम में कलिंगा स्टेडियम में इनकी शुरुआत हुई थी, यानी कि ये जो एक विहंगम जो कार्यक्रम था वो कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा के अंतर्गत ही ये वहीं पर आयोजित किया गया था। तो महिला विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था, और जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 है वो ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला गया था। तो किसके बीच खेला गया था? ब्राजील और मोरक्को के बीच। उसी प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक कांग्रेस यानी UNWGIC 2022 का उद्घाटन किया था। तो वो उद्घाटन कहाँ किया था हम इस चीज पर अब चर्चा करेंगे। तो वो उद्घाटन किया था उन्होंने हैदराबाद में। कहाँ किया था उद्घाटन? हैदराबाद में ये उद्घाटन हुआ था। तो हैदराबाद के अंतर्गत ये उद्घाटन जो था वो किया गया था, बैठक भी यहाँ पर आयोजित की गई थी। आखिर इसका जो मुख्य उद्देश्य वो जो था कि जितने भी ज़रूरतमंद देश हैं, यानी कि जो छोटे नीडी, यानी कि छोटे छोटे जो अफ्रीकी देश हैं या जो अपना खर्चा जो पूरी तरीके से एक तरीके से उठा नहीं सकते हैं, उन देशों को एक आम विचारधारा या ये आम धारा में लेकर के आना इनका प्रमुख उद्देश्य था। तो जो प्रमुख उद्देश्य जो ये यही था कि हैदराबाद के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, और UNGC का जो एक तरीके से हम लोग अगर कहें कि जो स्लोगन था वो ग्लोबल विलेज था। वो जो स्लोगन था वो क्या था? ग्लोबल विलेज। तो ग्लोबल विलेज के नाम से हम लोग देखते हैं इसका स्लोगन क्या था। ग्लोबल विलेज। और मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि जितने भी छोटे छोटे देश हैं उनको आम विचारधारा के अंदर, आम धारा के अंदर लेके आना, उनको हर संभव उनको मदद देना, और ताकि वो विकास कर सकें, औद्योगिक रूप से खुद को स्थापित कर सकें, अपने रॉ मटेरियल यानी कि जो उनके पास जो भी कच्चा माल है, जो भी कच्चा सामान है, उसका वो सदुपयोग कर सकें और उनका दोहन होने से भी रोक सकें। चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रश्न नंबर 17। खेड़ा गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के विरुद्ध अहिंसक अभियान चलाया था? तो सबसे बड़ी बात है कि खेड़ा जो गुजरात में है, आखिर पाटीदार जो कुर्मी जाति के किसान होते हैं, जो वहाँ पर बड़े पैमाने पर उनकी आबादी है, चाहे वो लेउआ पटेल के नाम से हो या कड़वा पटेल के नाम से हो, ये दोनों पटेल समुदाय जो हैं वो पाटीदार किसान के रूप में ये जाने जाते थे। इन लोगों ने संयुक्त रूप से अभियान चला रखा था अंग्रेजों के विरुद्ध। और वो अभियान क्या था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये अभियान जो था वो इस बात को लेकर के था कि जो कर बढ़ाया गया है, यानी कि जो कृषि कर जो बढ़ाया गया है वो कुछ ज़्यादा है। ये कृषि कर कितना था? 23%, 23% उपज पर कर था। कितना था? 23, यानी कि भूमि का उच्च राजस्व। तो जो राजस्व जो था वो 23% बढ़ा दिया गया।
ये बहुत बड़ी एक तरीके से मात्रा मान लें, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसे इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि लोग नहीं भरपाई कर पा रहे थे। तो आखिर भरपाई क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि पूरे गुजरात और आसपास का जो क्षेत्र था, अहमदाबाद तक का जो क्षेत्र था, खेड़ा के आसपास के जो क्षेत्र थे, वो सभी प्लेग की बीमारी से ग्रस्त थे। लोग त्राही त्राही मचा रहे थे और स्थितियाँ बड़ी विकराल और ख़राब थी। लिहाजा क्या करते, तो फाइनली उनको ये 23% टैक्स को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ा। और इनकी मदद करने के लिए महात्मा गांधी खेड़ा पहुंचे। कहां पहुंचे? खेड़ा पहुंचे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि महात्मा गांधी खेड़ा में जाते हैं और एक पूरे दल यानी पूरी टीम का वो नेतृत्व करते हैं और उस पूरे नेतृत्व को एक सकारात्मक मोड़ देते हैं। लिहाजा अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उन्हें कर के अंदर रियायत देनी पड़ी। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है वाद्य यंत्रों से संबंधित, क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्यशास्त्र को डैश ने संकलित किया था। तो हम सब जानते हैं कि नाट्यशास्त्र को लिखने वाले जो महान गुरु थे या जो महान नर्तक थे वो भरत मुनि थे। कौन थे? भरत मुनि। तो भरत मुनि जो आंसर है, आंसर नंबर 4, यही सही है। बाकी को हम लोग और अच्छी तरीके से देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो है तानसेन। तानसेन ने उसका एक तरीके से कहें कि तानसेन ने इस चीज़ की को विकसित नहीं किया था, ना ही उन्होंने भरत मुनि की तरह इसको एक तरीके से कहें कि लेखन कार्य किया था। तो तानसेन के बारे में हम लोग देखते हैं कि मियाँ की तोड़ी, दीपक राग, मेघ राग, मेघ मल्हार, ये कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिन पर सिर्फ और सिर्फ तानसेन जी का अधिकार समझा जाता है कि ये जो मियाँ की तोड़ी है, दीपक राग है, मेघ राग है, मेघ मल्हार है, इन सब पर, इन सब रागों का जो निर्माण है एक तरीके से कहा जाता है कि वो तानसेन जी ने किया था, तनसुख मकरंद पांडे जी ने किया था। उसी प्रकार अगर हम लोग कालिदास की बात करते हैं, हम लोग कालिदास जी की बात करें तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो कालिदास ने जो किताबें लिखी थी वो मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर वशियम, कुमार संभवम, कुमार संभवम, रघुवंशम। अब आप देख रहे हैं कि एक लंबी फेहरिस्त है हमारे पास, एक बहुत बड़ी फेहरिस्त है कालिदास जी की, कि मेघदूतम वो लिखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखते हैं, विक्रम और वशियम भी लिखते हैं, कुमार संभवम भी लिखते हैं, और बाद में वो लिखते हैं रघुवंशम। एक और लिखा था उन्होंने, मैं वो भी लिख देता हूं यहां, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। तो ये मालविकाग्नि मित्रम ये भी कालिदास जी ने लिखी। तो अब यहां पर रह जाते हैं हमारे अमीर खुसरो। अब देखिए कि अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो इन्होंने, इनको तो हिंदवी का जनक माना जाता है, यानी कि जो उर्दू देश के अंदर जो चलती है उसका ग्रामर जो था वो इन्होंने ही बनाया था। और आगे जो अगर हम इनके आविष्कारों की बात करें तो इन्होंने तबले का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था? तबले का। और दूसरा किसका किया था? सहतार। सहतार को हम लोग सितार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सितार के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने आविष्कार किया था तबले का और सहतार का, ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन है वो है भरत मुनि। तो भरत मुनि ने किसका, जो किस किताब को लिखा था? तो भरत मुनि ने एक तरीके से अगर हम देखें तो नाट्यशास्त्र, किसका किया था? नाट्यशास्त्र। तो नाट्यशास्त्र के जनक भरत मुनि को माना जाता है। तो इस प्रकार से अब जो हम पहुंचेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। मई 2022 में रेलटेल, मई 2022 में रेलटेल डैश पर आधारित पीएम वाणी लॉन्च किया गया।
यानी मई के महीने में 2022 में रेलटेल नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया, या फिर यूं मान लें कि एक वाईफाई सुविधा थी। तो यहाँ पर दे रहे हैं हम लोग कि क्या कौन सी सुविधा थी, वाईफाई। यानी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि 100 रेलवे स्टेशनों से शुरू होने वाली अब हजारों स्टेशनों तक हो गई, छोटे बड़े जो भी हैं उन सभी स्टेशनों को इसमें आप एक तरीके से शामिल कर लिया गया है। तो रेलवे स्टेशनों पर इसके जो वाईफाई की जो सुविधा है वो मुहैया कराते हैं, कौन, रेलटेल। अच्छा, इसकी जो स्थापना थी वो आखिर किसने की थी, तो उसे किया था रेलटेल के अध्यक्ष पुनीत चावला जी ने। किसने की थी, पुनीत चावला जी ने। तो रेलटेल के जो अध्यक्ष थे पुनीत चावला जी, उन्होंने एक ये योजना बनाई थी कि 100 रेलवे स्टेशनों पर इसके वाईफाई की सुविधा देंगे वो, और ये शुरुआती चरण में था। और ये इसलिए भी था कि ताकि जो लोग हैं, एक्चुअली कुछ लोग वेट कर रहे होते हैं ट्रेन का, तो किसी भी तरीके से वो दुनिया से कटे ना रहें, यानी कि ये वो एक तरीके से वाईफाई सुविधा इसीलिए दी रही कि वो अपने और अपने परिवार और अपनी दुनिया से जुड़े रहें, तो इसलिए ये सुविधा वहाँ पर मुहैया करवाई गई थी। हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से शब्द खेल का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो शब्द है देखिए खेल, कौन सा है, सिर्फ खेल। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं खेल, कोई सा भी खेल, क्रिकेट का खेल, फुटबॉल का खेल, गिल्ली डंडे का खेल, कंचे का खेल, ताश का खेल, चेस यानी जो है शतरंज का खेल, लूडो और कैरम का भी खेल होता है, यानी कि खेल खेल से संबंधित है। यहाँ पर क्या किया कि बैटिंग, फिर क्रिकेट, गोल और नेटबॉल। तो यानी कि पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, तो जो युग्म सही नहीं है वो है 4, ना तो 1 और ना ही 2। यानी कि ये दोनों ही जो चीज़ें हैं, बैटिंग और क्रिकेट, गोल और नेटबॉलिंग, वो खेल को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं या खेल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लिहाजा युग्म ये सही नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21, पंजाब में निरंकार या निराकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया था, यानी किसने ये जोर दिया था कि पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा की जाए। तो ऑप्शन है यहां पर बाबा दयालदास। तो जो यहां पर ऑप्शन आता है वो कौन है, ये बाबा दयालदास, महाराजा रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, बाबा राम सिंह। अगर हम लोगों की बातें करें तो ये मिस्ल को, रणजीत सिंह जो थे हमारे यहाँ, इन्होंने मिस्ल को बढ़ावा दिया था। किसको बढ़ावा दिया था, मिस्ल को बढ़ावा दिया था। गुरु गोविंद सिंह थे वो सिख खालसा की, अगर हम बात करें खालसा पंथ इस तरीके से। तो यहाँ जो बाबा दयालदास हैं, ये जो बाबा दयालदास जो थे, इन्होंने निरंकार, पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा की जो शुरुआत है वो की। अभी जो निरंकार जो पूजा की जो बात की जा रही है, आखिर ये है क्या, तो इसमें जो हमारे जो गुरु नानक देव हैं, गुरु नानक देव की जो प्राचीन वाणियाँ थी, जो प्रारंभिक वाणियाँ थी, या जो उनके विचार थे, जो उनके शुद्ध विचार थे जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, वो जो सीधे गुरुजी के विचार थे, जो उन्हीं को उठा के उन्होंने एक तरीके से उनको प्रतिपादित कर दिया था। यानी कि बाबा दयालदास गुरु नानक देव जी के प्राचीन और मूल विचारों को संरक्षित एवं प्रसारित करना चाहते थे। यानी कि ये जो सिख खालसा पंथ की जो बात की, मिस्ल की बात की, तो गुरु नानक देव जी जो थे वो जो बाबा दयालदास जो थे वो गुरु नानक देव जी के प्राचीन और मूल विचारों को संरक्षित एवं प्रसारित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पंजाब में निरंकार या निराकार भगवान की पूजा पर जोर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रश्न नंबर 22,
यदि मांग की कीमत लोच, यदि मांग की कीमत लोच यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से कम हो तो वस्तु की मांग को कहा जाता है, तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाता है? बेलोचदार। क्या कहा जाता है? बेलोचदार। ये देखिए बेलोचदार, यहां पर हम क्या भरेंगे? बेलोचदार। अब देखिए बेलोचदार का मतलब क्या होता है कि जिसमें मांग भी बराबर हो, यानी कि मांग जितनी पहले थी उतनी है, कीमत जितनी थी उतनी ही है, यानी कि डिमांड और प्राइस यानी कि जो उसका कॉस्ट है उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होता, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं आता, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बेलोचदार। यानी कि ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलोचदार। तो यदि मांग की कीमत लोच एक से कम हो तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाएगा? बेलोचदार कहा जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि बेलोचदार इसको क्यों कहा जाएगा। चलिए अब फिर हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 यानी 23, कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा, यानी कि ये बिल्कुल सही याद है, कहा जाता है। तो गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को हम बिटुमिनस ही कहते हैं। उसी प्रकार लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। तो जो लिग्नाइट है हमारा, जो यहां पर हम जो बात कर रहे हैं लिग्नाइट की, तो जो लिग्नाइट है वो मुलायम होता है और नमी युक्त होता है। उसी प्रकार गहराई में दबा हुआ अधिक तापमान वाला तो जो कोयला होता है उसे हम क्या कहते हैं? बिटुमिनस कहते हैं। समझ में आ गया। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। तो जो एंथ्रेसाइट जो होता है वो सबसे अच्छे गुण वाला, सर्वोत्तम गुण वाला कैसा कोयला है? कठोर कोयला है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि धातु शोधन या कि मेटलर्जिकल कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है जिसका वात्या भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेसेस में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या नहीं है? सही नहीं है। तो ये जो दूसरा जो ऑप्शन है इसी को फिर हम टिक करेंगे सही के लिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, रिशु एक बच्चा है, रिशु की दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो डेटा को इनपुट करना चाहता है। उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? तो नो डाउट वो किसका उपयोग करेगा? कीबोर्ड का करेगा। किसका करेगा? वो कीबोर्ड का, ये जो है कीबोर्ड का वो प्रयोग करेगा, क्योंकि जॉयस्टिक का वो प्रयोग करेगा नहीं। जॉयस्टिक अलग तरीके से उसको हम लोग यूज करते हैं। जो जॉयस्टिक है वो एक या दो तीन तरीके की जो चीज़ें उसको आगे पीछे या आगे हम एक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भी हम लोग उसका यूज़ करते हैं। लाइट पेन जो जैसे मैं भी लिख रहा हूँ ये भी लाइट पेन की तरह, स्कैनर से हम लोग किसी भी चीज़ को स्कैन करते हैं। तो रिशु जो है अगर कि यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सी की दबाएगा जिससे कि उसका डेटा इनपुट हो जाए, तो वो कीबोर्ड का प्रयोग करेगा। वहीं जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, कुछ स्थानों पर भूजल यानी कि भौमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच भूजल जमा हो जाता है, तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो कुछ स्थानों पर भूजल, ठीक है। अब यहाँ पर जो भूमि का जो जल है उसकी बात हो रही है, लेकिन ये नॉर्मल भूजल नहीं है, ये चट्टानों के बीच में कठोर चट्टान, कौन सी चट्टान? कठोर चट्टान, और उनकी भी परतों के बीच में भूजल जमा होता है, इसे वो किस रूप में हम लोग जानते हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक जलभर के रूप में, इसे हम लोग जलभृत भी कहते हैं, जलभृत यानी कि जलभृत। अब यहाँ पर अगर कुआं की बात करें तो भाई कुआं जो बनाते थे प्राचीन काल के लोग वो चट्टानों पे नहीं बनाते थे, वो कुआं जमीन के सरफेस पे बनाते थे और उसको जल स्रोत तक खोदते हुए चले जाते थे, मिट्टी में ही खोदते थे, चट्टानों पर नहीं खोदते थे, क्योंकि चट्टानों पर जो ऊपरी सतह होती है उस पर पानी उपलब्ध होगा ही नहीं,
उसी प्रकार से अगर हम लोग झील की बात करें तो झील मैक्सिमम जो झील होती हैं या तो वो एक तरीके से ओएसिस की तरीके से अपने आप पानी को नीचे से ऊपर की ओर धकेलती हैं या फिर झरने गिर करके झीलों का निर्माण करते हैं। लेकिन ये भी जो झीलें होती हैं वो झीलें भूमि के अंदर चट्टानों के बीच में नहीं होती हैं बल्कि जो भूमि के ऊपरी सतह पर ही पाई जाती हैं। उसी प्रकार से हम लोग तालाब की जो अभी मैंने बात की, एक तालाब भी ऐसा ही होता है। तालाब बारिश के पानी से भी बन जाता है, तालाब नदियों के पानी से भी बनता है, झीलों के पानी से भी बनता है। छोटे छोटे लैंड पूल जो वाटर पूल हैं उन्हें हम लोग तालाब के तौर पे, यानी कि पॉन्ड जो हैं उन पॉन्ड्स को हम लोग तालाब के रूप में ही जानते हैं। तो ये जो आंसर है, एक जलभृत, यानी कि चट्टानों के नीची सतह पर, चट्टानों के अंदर कहीं स्रोत हैं, ये पानी के जो स्रोत हैं उनको जलभृत कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर जो 25 था, इसका जो आंसर है वो एक जलभर यानी कि एक जलभृत ही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है वो 4 ही है। तो इस प्रकार से हम लोग अब जो देखते हैं कि जो तो ये बेस्ट बुक फॉर एसएससी सीएचएसएल टायर 1, एसएससी सीएचएसएल संयुक्त हायर सेकेंडरी के लिए ये 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं। और मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि जो भी आप बच्चे लोग, जो भी हमारे आप यूट्यूब चैनल यानी कि जो एग्ज़ाम कार्ड जो हमारा चैनल है, उस चैनल पर आप जो भी कंटेंट देखते हैं, जो भी पेपर सॉल्व किए जाते हैं, जो भी आपको सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, उसको हम किताब की शेप में यानी बुक की शेप में, ये मेरे पास कुछ बुक्स हैं 2, ये बुक की शेप में आपको, यानी कि ये जो किताबें हैं ये इस तरीके से शक्ल में आपको मिलेंगी और इन किताबों में आपको सारा जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। और हर किताब के अंदर एक तरीके QR कोड है जिसे स्कैन करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं या किसी भी विषय की सामग्री को खोल करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो किताबें हैं वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। मार्केट में हम लोग विद इन 1 वीक यानी कि 1-2 हफ्ते के अंदर ये उपलब्ध भी हो जाएंगी, तो आप इन्हें खरीद सकते हैं और आगामी परीक्षाओं में ये किताबें आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाली हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं खत्म करने जा रहा हूं। थैंक यू।